हेलो स्टूडेंट्स, महेश्वरी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट के बारे में पढ़ने से पहले हमें उसे थोड़ा सा ध्यान से उसके जो बेसिक रूल्स हैं उनको हमें पढ़ेंगे, और बहुत ध्यान से पढ़ेंगे ताकि अगर आप मुझे ध्यान से सुनेंगे आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है बैलेंस शीट बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमने दो वीडियोज में क्या सीखा, सबसे पहले हमने बनाया ट्रेडिंग अकाउंट, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और देन अब हम बनाने जा रहे हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे। अ स्टेटमेंट शोइंग फर्म एसेट्स लाइबिलिटीज एंड कैपिटल ऑफ प्रोप्राइटर एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। मीन्स क्या कि एक स्टेटमेंट जो शो करती है एसेट्स को, लाइबिलिटीज को और कैपिटल को एट ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब कोई भी डेट को, यानी 31 मार्च 2013, कोई भी हम डेट ले लें या कोई भी ईयर ले लें जिसके अंदर हमें बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटीज, कैपिटल और एसेट्स के बारे में पढ़ने के लिए मिलता है एट ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बैलेंस शीट द स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कब बनाया जाता है, मैंने पहले बताया आपको कि बैलेंस शीट कब बनाई जाती है, पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, देन बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट इज अ स्क्रीन पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्क्रीन पिक्चर है एक फाइनेंशियल पोजीशन, यानी आप अगर किसी फर्म की, किसी कंपनी की अगर बैलेंस शीट देखते हैं और उसके अंदर आप हर चीज का पता लगा सकते हैं कि फर्म के पास लाइबिलिटीज कितनी है, कितनी कैपिटल्स हैं, कितने फंड्स उनके पास ऑलरेडी हैं, कितने लोन्स उनके चल रहे हैं, तो वो टोटल उसकी फाइनेंशियल पोजीशन बता देगा आपको। समझ पा रहे हैं, एक स्क्रीन पिक्चर, यानी आप सिर्फ बैलेंस शीट देख करके उसके बारे में सारी जानकारी उस स्टेटमेंट से ले सकते हैं। इट इज अ स्टेटमेंट विच रिपोर्ट्स द एसेट अर्न्ड बाय द एंटरप्राइजेस, यानी वो ये बता रहे हैं कि ये स्टेटमेंट ये बताती है कि कितनी एसेट्स फर्म की खुद की हैं, अपनी हैं, एंड द क्लेम्स ऑफ द क्रेडिटर्स, यानी क्रेडिटर्स के कितने क्लेम, यानी उनको लाइबिलिटीज कितनी देनी है क्रेडिटर्स की, एंड ऑनर्स अगेंस्ट दिस एसेट्स। ठीक है, इट शोज द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस एट ए गिवन टाइम, मतलब क्या बताती है, एक फाइनेंशियल पोजिशन बताती है एट ए गिवन पॉइंट। जैसे जस्ट सपोज करिए, जैसे आप अभी 11th में हैं, अब आपका रिजल्ट आएगा पढ़ने के बाद, आपने पूरे साल मेहनत की, पढ़ने के बाद आपका रिजल्ट आएगा मेहनत की, अब क्या होगा, वो क्या स्टेटमेंट क्या है, यानी जो आपका रिजल्ट है वो क्या है, कि स्टेटमेंट कह सकते हैं कि आपका पता लगा आपने 90% मार्क्स आए हैं गेम किए, तो इसका मतलब आपने 90% तक अपनी जद्दोजहद करके, मेहनत करके 90% मार्क्स लिए। ऐसे ही बैलेंस शीट के अंदर क्या होता है कि हमें इस वर्ष कंपनी ने, फर्म ने कितनी मेहनत की, यानी कितनी उनकी एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं, कितने कैपिटल्स हैं, अपनी मेहनत से उन्होंने कितना प्रॉफिट इस बार अर्न किया, वो सारी की सारी चीजें कहां मिलेगी आपको, बैलेंस शीट में देखने के लिए। द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेज ऑफ दोस लेजर्स अकाउंट्स व्हिच हैवंट बीन क्लोज्ड बाय ट्रांसफर टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर शोन इन दी बैलेंस शीट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेज ऑफ दोस लेजर, मतलब वही लेजर्स अकाउंट्स व्हिच हैवंट बीन क्लोज्ड बाय ट्रांसफर टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी जिनको हमने, जिन अकाउंट्स को हमने ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लोज नहीं किया है, आर शोन इन दी बैलेंस शीट, उनको कहां ले जाते हैं हम, बैलेंस शीट के अंदर, करेक्ट। चलिए, डेबिट बैलेंसेज आर शोन ऑन दी एसेट साइड एंड क्रेडिट बैलेंस ऑन लाइबिलिटी साइड। ठीक है, जब अगर हमारे पास डेबिट बैलेंसेज आते हैं उन अकाउंट्स के, तो उनको कहां शो करते हैं, एसेट साइड में, और अगर क्रेडिट बैलेंसेज होते हैं तो उन्हें कहां शो करेंगे, लाइबिलिटी साइड में। नेक्स्ट पढ़ते हैं, पर्पस पढ़ लेते हैं, तो टू एसरटेन द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, हमें क्या पर्पज है, कि हमें फाइनेंशियल पोजिशन का पता लगाना है एक पर्टिकुलर टाइम पर, तब हमें क्या बनानी पड़ती है, बैलेंस शीट। नेक्स्ट पढ़ेंगे, टू नो द अमाउंट ऑफ एसेट इट अर्न्स अंडर वेरियस हेड से डेटर फिक्स्ड एसेट्स एटसेट्रा। टू नो द अमाउंट ऑफ एसेट्स अर्न्स अंडर वेरियस हेड्स, हम कह सकते हैं कि वेरियस हेड्स में हमारे पास जैसे कि डेटर्स हैं, फिक्स एसेट्स हैं, ये कितनी कितनी उनकी वैल्यू है और हमारे पास कितनी वैल्यूज है उनकी। टू नो द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज इट ऑलवेज टू द आउटसाइडर एंड प्रोप्राइटर्स, यानी हमारी जो लाइबिलिटीज हैं जो हमने अपने क्रेडिटर्स को देनी है या फर्म ने अपने ऑनर को देनी है, वो सारी की सारी चीज हमें लाइबिलिटीज में, इसमें लाइबिलिटीज में लिखनी होती है। ठीक है, इस स्टेटमेंट में इट शोज द ओपनिंग कैपिटल ऑफ द प्रोप्राइटर, ये क्या शो करेगा हमें, ओपनिंग कैपिटल ऑफ प्रोप्राइटर ड्रॉइंग मेड बाय हिम ड्यूरिंग द ईयर, मतलब उन्होंने, जो प्रोप्राइटर हैं बिजनेस के, जो मालिक हैं, उन्होंने कितनी ड्रॉइंग्स की हैं,
एंड फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय हिम ड्यूरिंग द ईयर, यानी इस वर्ष उन्होंने कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, कितनी कैपिटल उन्होंने और अतिरिक्त लगाई है, वो सारी की सारी चीज हमें इसमें मिलेगी। इन डिटरमाइनिंग वेदर द फर्म इज सॉल्वेंट और नॉट, ठीक है, करेक्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट बट ओनली ए स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज। देखिए, कभी भूल के गलती मत करिएगा, बैलेंस शीट कोई अकाउंट है, क्योंकि देखें मैंने यहां पर ना ही डेबिट लिखा है ना ही क्रेडिट लिखा है। जब भी हम कोई अकाउंट बनाते हैं तो हम क्या लिखते हैं, एक साइड डेबिट लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्रेडिट लिख लेते हैं। लेकिन अभी स्टेटमेंट के अंदर मैंने कहीं ना डेबिट लिखा है ना क्रेडिट, क्योंकि बिकॉज इट इज एन स्टेटमेंट। ये क्या है, हमारी स्टेटमेंट है। बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट बट ओनली ए स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड द लाइबिलिटीज ऑफ बिजनेस आर शोन। लाइबिलिटी साइड में क्या शो हो रहा है, लाइबिलिटीज शो हो रही है ऑन लेफ्ट हैंड साइड में। ऑन द राइट हैंड साइड एसेट्स ऑफ द बिजनेस अपीयर, मतलब जो हमारी एसेट्स हैं वो शो की जा रही हैं। टोटल ऑफ एसेट साइड एंड लाइबिलिटी साइड शुड मैच। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो टोटल लाइबिलिटीज और एसेट्स है वो मैच करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, कई चीजों में कई बार अगर उनकी बैलेंस शीट नहीं मिलती कुछ भी अमाउंट लिखा के टोटल कर देते हैं। नहीं, अगर आपने मेथड को, रूल्स को, सबको फॉलो किया है तो ऑटोमेटिकली आपकी बैलेंस शीट दोनों तरफ की मैच करेगी। बहुत ध्यान से करना है, करना होता है, इसमें अमाउंट्स लिखने होते हैं, ठीक है। चलिए, टोटल ऑफ टू साइड्स ऑफ द बैलेंस शीट शुड बी इक्वल। ऑफ टोटल्स ऑफ टू साइड्स डू नॉट मैच, इट मींस देयर इज एन एरर। टोटल्स ऑफ एसेट साइड एंड लाइबिलिटी साइड शुड मैच, मतलब हमारा जो है एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड मैच होना चाहिए। टोटल्स ऑफ साइड ऑफ बैलेंस शीट शुड बी इक्वल, और क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इफ टोटल ऑफ टू साइड्स डू नॉट मैच, अगर इनके टोटल्स नहीं मिलते हैं, इट मींस देयर इज एन एरर। हम क्या मानेंगे, यहां पर हमसे कोई ना कोई गलती हुई है। अब हम पढ़ेंगे ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। एसेट एंड लाइबिलिटीज आर शोन इन अ सर्टेन ऑर्डर इन द बैलेंस शीट, देयरफॉर दे शुड बी अरेंज्ड इन सर्टेन ग्रुप्स एंड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। दिस इज कॉल्ड ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट। ग्रुपिंग मीन्स पुटिंग आइटम्स ऑफ ए सिमिलर नेचर, यानी सिमिलर नेचर की जो आइटम्स है हमारी, अंडर ए कॉमन अकाउंटिंग हेड। द अरेंजमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इन ए पर्टिकुलर इन द बैलेंस शीट एज कॉल्ड मार्शलिंग, ठीक है। पर्टिकुलर ऑर्डर में उसको हमने अरेंज करना है, दैट इज कॉल्ड मार्शलिंग। इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस एसेट्स विच आर टू बी परमानेंटली इन द बैलेंस शीट, जो क्या रहेंगी, परमानेंट रहेंगी बिजनेस में, एंड आर नॉट मीन टू सोल्ड, मतलब जो बेचने के लिए नहीं है, आर रिटर्न फर्स्ट एसेट, मतलब उनको पहले लिखेंगे। विच आर मोस्ट लिक्विड सच एज कैश इन हैंड आर रिटर्न लास्ट, मतलब जो ज्यादा लिक्विडेट होंगी उनको कहां लिखेंगे, सबसे लास्ट में। फिर पढ़ेंगे इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मींस द फैसिलिटी विच द एसेट मे बी कन्वर्टेड इनटू कैश, जिनको हम क्या बदल सकते हैं, कैश में, जल्दी कैश में बदल सकते हैं। दोज एसेट विच टेक मोर टाइम टू कन्वर्ट इनटू कैश आर रिटर्न लास्ट, मतलब जो एसेट ज्यादा समय लेंगी बिकने में, लिक्विडेट होने में, उनको कहां लिखेंगे, सबसे लास्ट में लिखेंगे। जो जो आइटम्स होते हैं उनको लिखना, तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं यहां पर गुडविल, फिर लिख रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी। देन हम लिख रहे हैं इसमें फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक। देखिए, आपको याद होगा मैंने बताया था कि क्लोजिंग स्टॉक जब आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट हम बना रहे थे तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमने लिखा था ओपनिंग स्टॉक और क्रेडिट साइड में लिखा था क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की मैंने बताया था कि वो एडजस्टमेंट होती है, ट्रायल बैलेंस से नीचे लिखा जाता है, तो एक बार आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और एक बार इस स्टेटमेंट के अंदर एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक। एक एडजस्टमेंट आपकी पूरी हो गई बिना एडजस्टमेंट किए। चलिए, फिर लिख देंगे डेटर्स, यानी जो भी हमने लेना है लोगों से डेटर्स। बिल रिसीवेबल कितने हैं हमारे पास, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक लिख देते हैं,
इंपॉर्टेंट। देन अब हम चल रहे हैं लायबिलिटी साइड में, हम यहां लिखेंगे कैपिटल, ठीक है, यहां लिखेंगे कैपिटल, फिर इसमें हम लिख देंगे ऐड करके क्या, ऐड करके लिख देंगे नेट प्रॉफिट, क्या लिख देंगे नेट प्रॉफिट, ठीक है, यहां लिख दिया। इन केस वो लॉस होता तो क्या लिखते, माइनस कर देंगे, क्या लिखेंगे नेट लॉस। इन केस ड्रॉइंग्स अगर हो, देखिए मैंने आपको याद होगा कि मैंने डेफिनेशन में भी बताया था कि अगर ड्रॉइंग्स अगर हमारी हैं तो ड्रॉइंग्स क्या होंगी, कैपिटल कम करेंगी, तो कैपिटल कम करेंगी तो क्या लिख देंगे माइनस, ठीक है। फिर यहां टोटल आप ध्यान रखिए, जब भी बैलेंस शीट बनाए तो कैपिटल को इनर कॉलम में रखिए, ठीक है, यहां लिखिए, फिर अगर वो नेट प्रॉफिट होता है तो उसको ऐड कर लीजिए, अगर वो नेट लॉस होता है तो माइनस, और ड्रॉइंग्स है तो ऑब्वियसली माइनस होगी, ठीक है। चलिए फिर लिख लेते हैं यहां पर बिल्स पेबल यानी बीपी, क्रेडिटर्स लिख लेते हैं, ठीक है, कॉमन से मैं लिख रहा हूं इसमें। अब हम यहां पर लेते हैं बैंक ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी ओवरड्राफ्ट का मीनिंग अगर हम समझें कि हमारे पास बैंक में पैसा नहीं है, यानी अपना पैसा हमारे पास बैंक में नहीं है, लेकिन फिर भी हमें एक बैंक कुछ लिमिट तक अलाउ करता है पैसे निकालने के लिए, दैट इज कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट। ये सभी के लिए नहीं होता है, ये बहुत अच्छे व्यापारी जिनकी फाइनेंशियल पोजिशन अच्छी होती है उनके व्यापार की, उनको ही बैंक ओडी ऑफर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ लेंगे इसमें लोन, अगर कोई हमने लोन ले रखा हो वो लिख लेंगे। चलिए जी, अब हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, टीएस ग्रेवल का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 है। सबसे पहले उसमें दिया हुआ है गुडविल 20,000 रुपीज का, तो गुडविल लिखेंगे, गुडविल की जगह पे एसेट में आ जाएगा गुडविल 20,000 रुपीज। नेक्स्ट आ रहा है कैपिटल, कैपिटल कितना है 1,80,000। देखो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि जब भी कैपिटल आएगा उसको इनर कॉलम में लिखना, ठीक है, चाहे क्वेश्चन आपका एडजस्टमेंट वाला हो चाहे विदाउट एडजस्टमेंट हो, आपने क्या करना है कैपिटल को उठा के इनर कॉलम में लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट दे रखा है लायबिलिटीज फॉर एक्सपेंसेस, मैं लिख लेता हूं, यहां लिखा नहीं था हमने, लायबिलिटीज फॉर एक्सपेंसेस, ठीक है, लायबिलिटीज हमें पता चल गया कि लायबिलिटीज है यानी हमारी देनदारी, उठा के लायबिलिटीज में लिख लो, कितना था 1200 रुपीज। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं, फिर लिखेंगे कैश इन हैंड, कैश इन हैंड है हमारे पास 1000 रुपीज। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट है हमारे पास 20,000 का, जहां जहां जो है वहीं लिखते चले जाइए, दो तीन बनाइए सब याद हो जाएगा, बहुत आसान है, इतना टफ नहीं है, ठीक है। फिर आ रहा है बिल्स पेबल 10,700। चलिए फिर है हमारे पास नेक्स्ट कंटेंट्स है नेट प्रॉफिट 92,600, नेट प्रॉफिट 92,600। चलिए नेक्स्ट अगर देखें, यहां लॉस हो जाता तो लॉस को लॉस की जगह लिख देते, कोई ड्राइंग सभी कहेगा तो ड्राइंग्स लिख देंगे, करेक्ट। चलिए फिर हमें बता रहा है वो सन्ड्री डेटर्स 50,000 रुपीज, सन्ड्री डेटर्स 50,000। देखिए मैं इस क्वेश्चन के अंदर ये सन्ड्री डेटर्स जो हैं, डेटर्स मैंने 50,000 क्यों लिखे हैं, क्योंकि मैंने क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया है, क्योंकि उसमें एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स दिया, क्या दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ठीक है, तो उसको आगे भी कंसीडर करेंगे। तो पहले मैंने इसको इनर कॉलम में लिख दिया, फिर लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग है हमारे पास 60,000 रुपीज की। देखिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर लूंगा, अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, देखने से कुछ नहीं होगा, कॉपी पेन और उठा लीजिए, थोड़ी कोशिश करिए, बहुत जल्दी सीख जाएंगे, किसी से दोबारा सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक से दो बार वीडियो देखिए, कंप्लीट, बिल्कुल कंप्लीट, आप दूसरे को पढ़ा देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बैंक, बैंक है हमारे पास 20,000 रुपीज, ये रहा बैंक 20,000 रुपीज, क्या दिक्कत है, जो बताता जा रहा है पैसा का वैसे चलते रहिए, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर्स 63,000 रुपीज। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास बिल्स रिसीवेबल 13,000 रुपीज, बीआर। नेक्स्ट पॉइंट प्लांट एंड मशीनरी 40,000 रुपीज।
नेक्स्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, मैंने बताया था ना, मैंने क्वेश्चन पढ़ा हुआ है तो लेस करेंगे यहां पर। प्रोविजन अगर आ जाएगा, ये मैं आपको एडजस्टमेंट में बताऊंगा कि क्यों माइनस हुआ है बाद में, ठीक है, तो इसको माइनस कर लेंगे। तो ये हो गया 47,500, करेक्ट। फिर नेक्स्ट है मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक 80,000 रुपीज, क्लोजिंग स्टॉक 80,000। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास फर्नीचर, कितना है 16,000, फर्नीचर ढूंढो 16,000। नेक्स्ट है हमारे पास ड्रॉइंग्स, कितना है 30,000 रुपीज। देखिए आ गया ड्रॉइंग्स, मैंने आपको क्या बताया था कि कोई जहां जहां आपने उनके लिए स्थान बनाया है वहां वहां उसे प्लस। अब इनको टोटल कर लेंगे, ये है हमारे पास 180, 92,600 और 30,000। तो इसको जब टोटल किया मैंने तो आंसर आया 2,42,600, राइट। अब इसका बैलेंस शीट का टोटल मैच करेंगे तो टोटल जो आ रहा है वो आ रहा है 3,17,500, ठीक है। और फिर इसको भी यहां पर हम ऐड कर, यहां पे ऐड अप करके जो टोटल है वो है 3,17,500। ऐसे हमें बैलेंस शीट बनानी है। देखें अब एक फुल प्रूफ क्वेश्चन भी होगा अपने पास जिसमें पहले ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनेगा। आपको समझना क्या है कि तीनों को एक बार में बना लीजिए, ठीक है। आप अपनी नोटबुक ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए, प्रॉफिट एंड लॉस भी वहीं बनाइए और थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे स्पेस छोड़ के फिर बीच में बैलेंस शीट बनाइए, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस के कंटेंट्स जो होते हैं, कुछ आइटम्स होते हैं ज्यादा होते हैं, बैलेंस शीट की भी फिक्स रहती है और ट्रेडिंग अकाउंट की आपने देखा वो भी फिक्स रहती है। तो क्या करिए, जैसे जैसे जो जो आइटम्स आती जा रही है उनको वहां वहां रखते जाइए। आप कहें जी नहीं पहले मैं ट्रेडिंग बनाऊंगा फिर प्रॉफिट एंड लॉस फिर बैलेंस शीट, कभी आंसर नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं आपको एक बहुत कॉमन बता रहा हूं पॉइंट्स कि आपने क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, देन बैलेंस शीट बनाइए, अपने आप आंसर ऑटोमेटिकली मिलेंगे, वहां देख के आप करेक्ट कर सकते हैं। क्या करते हैं जब हम उसको करने बैठते हैं, कुछ आइटम्स छूट गई, फिर मिस हो गई, फिर आगे बढ़ गए, गड़बड़ हो सकती है। तो सबसे पहले आपने क्या ध्यान रखना है कि तीनों के तीनों अकाउंट्स को एक साथ बनाना है, ठीक है जी। बहुत ध्यान से बनाइए, बिल्कुल आंसर अपने आप बैलेंस शीट मैच करेंगी, कोई घबराने की बात नहीं है। चलिए ठीक है, थैंक यू।